पब्लिक टीवी आपकी आवाज। योगी सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा और शोषण को लेकर लाख वादे कर रही हो, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ दबंग पुलिस से साठ गांठ कर अत्याचार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। संबल के थाना बनियाठे क्षेत्र के गांव मानकपुर नरोली में नंदराम नामक के युवक ने अपनी पहली पत्नी को बिना बताए दूसरी शादी करने के लिए जनपद मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के गांव रुस्तमपुर बरोली में बारात लेकर के पहुंच गया। जब इसकी जानकारी पहली पत्नी को हुई तो वहां पहुंचकर महिला ने विरोध करना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि सन 2010 में महिला की शादी मानकपुर नरोली गांव के मुकेश नाम व्यक्ति से हुई थी, जिसका सन 2014 में देहांत हो गया। उस समय हिंदू रीति रिवाज जयमाला प्रोग्राम के तहत हमने अपने देवर नंदराम के साथ पुनर्विवाह कर लिया। इसमें 2014 से लेकर अब तक शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन हवस के पुजारी नंदराम ने बिन बताए दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया है, जो कि मैं नहीं चाहती हूं। इस पूरे मामले को लेकर बिलारी कोतवाली की चौकी जरगांव और डायल 100 को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस तो पहुंची और पुलिस ने एक घंटे पीड़ित महिला की मदद की बात की, लेकिन कुछ समय उपरांत पुलिस दबंग हवस के पुजारी नंदराम की बाप-बाही करती हुई नजर आई और पीड़ित महिला के साथ आई मायके पक्ष के लोगों पर भड़क गई और पुलिस चौकी इंचार्ज धीरज सिंह ने गांव और महिला पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जबकि महिला ने COSP और DM के द्वारा फोन पर संपर्क किया तो वहां से कोई भी राहत की किरण नजर नहीं आई। महिला के परिवार वालों का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन को शोषणकर्ता नंदकिशोर के साथ बैठकर रिश्वतखोरी में लिप्त होना बताया है, क्योंकि जब महिला के सामने खाकी वर्दी का रौब कम दिखाई दिया तो नंदराम की शादी का रास्ता साफ करने के लिए कार्रवाई के नाम पर उसे बिलारी कोतवाली भेज दिया गया। इधर उस अवस के पुजारी की भामरे डलवा दी और शादी संपन्न करा दी, जबकि पुलिस प्रशासन के लिए महिला ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। ससुराल मेरी मानकपुर नरोली। कौन से थाने पड़ता है? नरोली बनियाठी। अच्छा, तो क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी शादी हुई थी, पहली वाली शादी मेरी हुई थी 2010 में मुकेश के साथ में। मेरे पति एक्सपायर हो गए 3 साल के बाद, ठीक है। 2010 में मेरी शादी हुई थी, 13 में वो खत्म हुई। उसके बाद मैं फिर देवर के साथ में मैंने शादी करी। नहीं, सामने में बिचौलिया थे, जिसने मेरी पहली शादी कराई थी वही बिचौलिया थे। अच्छा। और वो लड़के का मेरे जो हस्बैंड जो है उनके भाई थे वो पेरे, मतलब जैसे मतलब सही जब तो सही रखते थे, जब पत्नी की तरह इस्तेमाल करते थे या फिर जी कैसे इस्तेमाल करते थे? सही करते, बिल्कुल पत्नी की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद में अब इन्हें चोरी चोरी इन्होंने शादी कर रहे हैं, ठीक है। नहीं मेरे पास कोई फोन, नहीं कोई सूचना, नहीं कुछ बताया है। क्या आप दूसरी अब वो शादी दूसरी कर रहे हैं? अब वो दूसरी शादी कर रहे हैं, आज बारात लेके आए इसी घर में और इसी गांव। कौन से गांव में लेके आए? बरौली में। अच्छा, तो आपने कहाँ सूचना दी थी? ये मैंने देखो SO के पास भी दे दी, पनीचर थाने में, और CO के पास को भी दे दी, DM को भी दे दी, हर जगह दे दी मैंने। और देखो अब क्या हुआ, यहाँ के क्या आपको निर्णय हुआ? अब मैं शादी रुकवाने के चक्कर में हूँ, शादी अब नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने देंगी? अब ये बताओ दूसरी शादी में कैसे हो जाने दूंगी मैं, कहाँ जाऊंगी ये बताओ पहले तो। मैं पहली बात तो मेरे पति पहले एक्सपायर हो गए, दूसरी बात मैं इनके साथ में मेरी शादी होगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? पता नहीं, मैंने बहुत कुछ कहा लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार। जैसे आपकी पुलिस मदद नहीं करेगी तो आप क्या कदम उठाएंगी? जैसे फिर क्या कदम उठाएंगी? मैं फिर इन्हें डाल दूंगी, चाहे वो मुझे मार दे चाहे मैं उन्हें मार दूं। 100 का मतलब है कि मुझे किसी से मतलब, मुझे अपने पति से मतलब। का चाचा हूँ, वीर सिंह मोर्य नाम है मेरा, और काफ़ी समय से मैं बरौली रुस्तमपुर में काफ़ी समय से हूँ। मैं 8 बजे से उस समय बारात आ चुकी थी मानकपुर से। हमने काफ़ी कोशिश करी थी कि लड़के को पकड़वाने की, पुलिस वालों को काफ़ी बार 100 नंबर पर कॉल की थी, पुलिस आई थी, पुलिस ने कोई निर्णय नहीं लिया। पुलिस वालों ने खुद अपनी मर्जी से लड़कियों को घर से फरार करवा दिया और शादी पुलिस खुद करवा रही है। क्या पुलिस जब आप पुलिस यहाँ आई थी और 100 नंबर पुलिस आई थी, क्या वो लड़का और लड़की यहीं थे? हाँ, लड़का लड़की यहीं पर थे और पुलिस वाले खुद कह रहे थे हम शादी करवा के जाएंगे। कितने घंटे का हो चुके हैं? कम से कम 5 घंटे का समय हो चुका इस समय जब से पुलिस यहाँ पे है, और पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कौन सी चौकी पड़ती है आपकी? हमारी जरगांव पड़ती है, चौकी जरगांव पड़ती है, थाना बिलारी पड़ता है, कोतवाली बिलारी। आपने कहाँ कहाँ फोन करा उच्च अधिकारियों को? हमने CO को फ़ोन किया था, SP को फ़ोन किया था, और कोतवाल को भी फ़ोन किया था, DM साहब को भी फ़ोन किया था, और हमारे 100 नंबर पर भी फ़ोन किया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, और 1090 भी कॉल की थी हम।